अपर सुबनसिरी में फर्स्ट कोविड 19 पॉजिटिव केस 5 जुलाई को मिला। ये क्वारंटाइन फैसिलिटी से मिला और उनको मिलने के साथ कोविड केयर सेंटर में यहाँ रखा गया है। कोई पैनिक की बात नहीं है और इवन हम लोग डेली रिपोर्ट्स और डेली चेकिंग्स ये पेशेंट का कर रहा है, तो अभी तक कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन भी दिखाई नहीं दिया है। इसीलिए सिटीजन से, अपर सुबनसिरी का सिटीजन से रिक्वेस्ट है कि इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए हम लोग को। लेकिन ये पॉजिटिव केस मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट में एक पैनिक की लहर जो है आ गया है और बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस, सीनियर सिटीजन्स सभी का तरफ से ये डिमांड आ रहा था कि यहाँ एक लॉकडाउन होना चाहिए। इस तहत अभी ईटानगर में देखा गया कि क्वारंटाइन सेंटर के अलावा एसपी ऑफिस में और कुछ बैंक में कोविड 19 केसेस कुछ मिलने लगा है, और ये बात लेके अभी एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगा कि जो है इसमें सतर्कता हम लोग बरतना चाहिए, और इस कारण से हम लोग 144 डिक्लेयर किया है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, और ये 10 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक लागू रहेगा। और इसके तहत हम लोग मूवमेंट एंड असेंबली ऑफ पीपल इसको हम लोग रोक रहे हैं, और व्हीकल मूवमेंट भी हम लोग रोक रहे हैं। ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप ये भी बंद रहेगा, और कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट ये बंद रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफिसेस, क्वारंटाइन फैसिलिटीज, बैंक्स, एटीएम्स, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हेल्थ फैसिलिटीज, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज, पावर, वाटर और अदर यूटिलिटीज ये खुला रहेगा, और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी बंद रहेंगे। लेकिन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, फायर, लॉ एंड ऑर्डर, एमरजेंसी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ये जो है ओपन रहेंगे। और इसके अलावा हम लोगों ने ट्रांस अरुणाचल हाईवे और PMJSY और बॉर्डर रोड्स का काम जो है ये जारी करने का फैसला किया है। लेकिन इसमें जो है आपका कोविड 19 SOP जो है स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, ये ऑर्डर दिया गया है।